मीडिया कर्मी है, जितने भी हमारे भाई बंधु है, तो उनका भी उतना ही योगदान होता है हर खबर को अब तक पहुंचाने के लिए। एक एक चैनल वाला, एक एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट दिन रात मेहनत करता है, बाहर रहता है। मैं आपको बता दूं, स्पेशली कोरोना के टाइम पर, ऑनेस्टली अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, लेकिन आज मुझे स्टेज मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, इसके लिए मैं आपको सबको शेयर कर रहा हूँ कि कोरोना के वक्त डॉक्टर्स का लोगों ने बहुत ज़्यादा सम्मान किया, करना भी चाहिए, उनको भगवान का दर्जा दिया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उसका फल भी मिल रहा था, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल रहा था उनको, उनकी फीस मिल रही थी उनको, उनके पैसे मिल रहे थे, सॉरी टू से, लेकिन ये सच था। बाकी और भी ऐसे ही जितना भी कोरोना वॉरियर के नाम से जितने लोगों को सम्मानित किया गया, उन सब ने अपना जो ड्यूटी थी उसी को अंजाम दिया, जिसके लिए उन्हें देवर पेड फॉर दैट, वो अपना काम अंजाम दे रहे थे कोरोना काल तक, इसीलिए उनको जो है ज्यादा सम्मान मिला, लेकिन वो उनका फर्ज था, उनका कर्तव्य था, उनका बिजनेस था, उनका प्रोफेशन था, उनका जॉब था, वो कर रहे थे। लेकिन जो एक ऐसा वर्ग था मीडिया का, ये बिना किसी स्वार्थ के, ऑनेस्टली मतलब जितने भी फ्रीलांसर पत्रकार थे, फ्रीलांसर जो रिपोर्टर थे, ये बिना किसी स्वार्थ के कोरोना के बीच में हॉस्पिटल्स में जाके, मार्केट में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके न्यूज कवर करते थे और ये आप तक पहुंचाते थे। आप लोग अपने घर में बैठ के देखते थे कि आज कितने पॉजिटिव आए, क्या स्कोर है, क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, कहाँ पे फैल गया है, क्या कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया, ये सारी चीजें आप अपने घर पे, आपको मोबाइल पे मिलती थी। लेकिन ऐसे में कितने लोग जाके अपने घर वापस कोरोना लेकर आते थे और आप तक ये खबर पहुंचाते थे, लेकिन वो निस्वार्थ मतलब किसी के बंधे में नहीं थे, अगर वो नहीं करते थे तो भी कुछ उनको बोलने वाला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये सारी खबरें आप तक पहुंची, उसके बावजूद जो है कितने भी जर्नलिस्ट, कितने पत्रकार है, उनको सम्मानित नहीं किया गया था, ये सब अग्री करेंगे, उनको जो सम्मान चाहिए था वो नहीं मिला, तो आज हम उनको वो सम्मान यहाँ पे देना चाहते हैं, उनको देंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे भिवंडी के बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही चहिता चैनल है और उसके पत्रकार बहुत ही ज्यादा चहिते हैं भिवंडी के, तो हम थोड़ा उनका आवाज देंगे, लेकिन उसके पहले इन सबको अवार्ड देने के लिए मैं हमारे डैडी फारूक मेमन साहब को बुलाना चाहूंगा। फारूक मेमन भिवंडी शहर के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है। मैं आपको बता दूं कि भिवंडी के अंदर पहला न्यूज़पेपर मेरे डैडी ने स्टार्ट किया था भिवंडी समाचार के नाम से, और उसकी तारीख थी 3 जून 1992 को जो है इन्होंने पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था भिवंडी समाचार के नाम से। तो मतलब मीडिया वाले हम लोग जो है हमारे खून में है मीडिया तो थोड़ा सा इनका एक तालियां हो जाए हमारे डैडी के लिए। फर्स्ट न्यूज पेपर जो है भिवंडी का, भिवंडी समाचार हमारे डैडी ने स्टार्ट किया था, तो हम हमारे डैडी के हाथ से जो है सबको सम्मान करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा भिवंडी का बहुत ही चहिता चैनल है, चहिते पत्रकार है, सच की आवाज के संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता जरा तालियां हो जाए संदीप गुप्ता के लिए, बहुत ज्यादा तालियां नहीं बजवाएंगे आपसे, बहुत कम नाम है संदीप गुप्ता। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वालों को हम सम्मान दे रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप गुप्ता जी, गुप्ता जी कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया लावाई जो चैनल और साथ ही साथ सॉल्यूशन प्रिंट का मैं करना चाहूंगा, क्योंकि भिवंडी शहर में पहली बार इस तरह का जो कार्यक्रम रखा गया, और इस कार्यक्रम से ऐसा लग रहा है कि हमें भिवंडी, जो भिवंडी है बॉम्बे से बहुत कुछ दूरी पर है, लेकिन बॉम्बे में इस तरह के जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है भिवंडी शहर में दावाई न्यूज और सॉल्यूशन प्रिंट के माध्यम से लाया गया, वाकई चार चांद लगाया गया भिवंडी शहर में, खासकर इस ग्राउंड में। पिछले दो दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा था, भिवंडी शहर से के लोग तो मौजूद थे, लेकिन बाहर के लोग भी इस इवेंट को देखने के लिए आ रहे थे, और एक बार फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा धावाई न्यूज चैनल के जो चीफ एडिटर है फिरोज भाई का, क्योंकि भिवंडी शहर के पत्रकारों का नाम इन्होंने गौरव किया है इस तरह के कार्यक्रम को रखकर। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, मेरे चैनल की तरफ से भी मैं आपको शुभेच्छा देता हूं कि आगे भी इससे अच्छा कार्यक्रम आप करें। थैंक यू। अच्छा, अगला नाम मैं लेने जा रहा हूँ ताहिर शेख का, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया की तरफ से। ताहिर शेख काफी एक्टिव पत्रकार है, आप कहेंगे काफी एक्टिव पत्रकार है ये।
पे आपको दिखेंगे और खास करके जहाँ पे कोई इश्यूज था प्रॉब्लम से वहाँ पे जरूर दिखेंगे। कांग्रेचुलेशंस सर। अभी एक और बहुत ही ज्यादा चर्चे में है पत्रकार, बहुत यंग है, एनर्जेटिक है, तो उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। द माइक न्यूज की तरफ से, द माइक न्यूज का चैनल है फाम अंसारी। फाम अंसारी काफी एक्टिव है, ये भी काफी एक्टिव पत्रकार है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। फाम अंसारी के लिए खास बात बता दूं कि ये जब सवाल पूछते हैं तो सामने वाला दो सेकंड, दस सेकंड के लिए एकदम शॉक हो जाता है कि ये क्या पूछ। तो ये इनकी खास बात है कि इनके जो सवाल रहते हैं वाकई में सदमे में डाल देते हैं लोगों को, तो ये बहुत जिसमें बहुत माहिर है सवाल पूछने में। फाम बहुत बहुत शुक्रिया एक बात और कि ये पिछले दिनों से हमारा काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल के साथ भी जुड़े हैं। फाम को उनका एक और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू फाम, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। Congratulations sir, thank you। एक और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से है, भिवंडी टाइम्स की तरफ से, भिवंडी चैनल की तरफ से है उबैद अंसारी। उबैद अंसारी आए हैं, जाहिर आए हैं, जाहिर ये भी काफ़ी एक्टिव है, इनका चैनल काफ़ी एक्टिव है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि जितने भी हम नाम ले रहे हैं आप प्लीज़ उनका चैनल देखिए और उनको सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और हमारा तो जबरदस्ती करवा। थैंक यू जाहिर। एक काफी यंग पत्रकार है लाइफ इन भिवंडी की तरफ से अजीज अंसारी, और आइए इमरान भाई आए, इमरान अंसारी लाइफ इन भिवंडी की तरफ से। लाइफ इन भिवंडी बहुत ही पॉपुलर चैनल है और काफी इनके ग्राफिक्स वगैरह काफी अच्छे रहते हैं। इमरान भाई आपका स्वागत है। जी 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 लाइफ इन भिवंडी की टीम थोड़ा सा म्यूजिक व्यूजिक बजाओ यार। लाइफ इन भिवंडी मैं आपको बता दूं, लाइफ इन भिवंडी का भी टॉप 10 न्यूज आता है, काफी अच्छा रहता है। इनकी एंकर को काफी लोग पसंद करते हैं, मंजशा सर बरोबर काफी पसंद करते हैं उसको भी लोग, काफी अच्छी आवाज है, तो आप इसका भी लाइफ इन भिवंडी चैनल देखिए जरूर। थैंक यू सो मच। आप थोड़े से सीनियर लोगों की बारी। हाँ महेश, महेश बाकी है, महेश गुप्ता सच की आवाज की तरफ से, महेश गुप्ता। भिवंडी के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है फकरे आलम साहब, खान फकरे आलम साहब, तो उन्हें मैं आवाज दूंगा। खान फकरे आलम थोड़ा सा अच्छा डीजे बजाओ, अच्छा म्यूजिक बजाओ। काफी सीनियर पत्रकार है भिवंडी के, भारत शक्ति समाचार के नाम से इनका चैनल है, भारत शक्ति समाचार। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए फकरे आलम साहब। फिरोज साहब ने कहा है कुछ कहना चाहिए तो कह दूं, फिरोज साहब कह दूं। दोस्तों इनके लिए वो करते हैं जिस पर अभी तक सरकारों ने टैक्स नहीं लगाया है। जोरदार तालियां हो जाए फिरोज मेमन एंड टीम के लिए, जो आज का प्रोग्राम, आज से एक दिन पहले का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैं तो चाहूँगा कि ये दो दिन का प्रोग्राम और भी बढ़ जाए, ये आने वाले दिनों में कम से कम 5 दिन का हो जाए। क्या ख्याल है ऑडियंस? यस, लोग तैयार हैं। बहुत बहुत मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, आपकी पूरी टीम को और आपके वालिद साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद। थैंक यू।
इन्होंने कहा कि दो दिन और बढ़ा दो, तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, ऑडियंस तो आ जाएगी फिर भी, स्टॉल वाले से पूछना चाहूंगा कि दो दिन और बढ़ाना है क्या प्रोग्राम? स्टॉल वाले कोई हाय बोल रहा, कोई ना बोल रहा है? बढ़ाना चाहिए ना, ओके दो दिन और बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है ठीक है। तो ये प्रोग्राम और दो दिन होगा, ये प्रोग्राम और दो दिन होगा अगले साल, ठीक है ना, अगले साल होगा ये, जी 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 जी। तो हमारे पहले ये पूरा मीडिया टीम है हमारी, तो मीडिया टीम का हम लोग थोड़ा सा एक फोटोज ले लेंगे,